हेलो दोस्तों, मेरा नेम है जेब। वेलकम टू जेब रिव्यू। दोस्तों उम्मीद है तुम सब ठीक होगे। तो दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले करने वाले एक्टर बेनेडिक्ट कंबरबैच की एक न्यू सीरीज रिलीज हुई है, जो कि नेटफ्लिक्स की तरफ से रिलीज की गई है। और वो सीरीज मैंने अब देख ली है और इस वीडियो में मैं तुम्हें उस सीरीज का रिव्यू देने वाला हूं। तो बस वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर पहली दफा है तो इसको सब्सक्राइब करना, और अगर तुमको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करना। तो चलो बिना टाइम जाया कि वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सीरीज का नेम है एरिक, जो कि मई के एंड में रिलीज हुई है। ये एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। इसकी स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी में हमें एक पपीटियर दिखाया जाता है, जिसका रोल बेनेडिक्ट कंबरबैच ने प्ले किया है। एक पपीटियर यानी जो कि पपिट्स का शो दिखाता है। एक दिन उसका बेटा अचानक से स्कूल जाते टाइम गायब हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, जिसकी वो पुलिस में रिपोर्ट करते हैं और पुलिस उसे ढूंढने लग जाती है। लेकिन उस लड़के के बाप को लगता है कि वो उसका किडनैप नहीं हुआ, बल्कि वो खुद से भागा है, यानी खुद से घर छोड़कर भागा है। और फिर वो अपने बेटे को खुद ही तलाश करने के लिए पड़ता है। और स्टोरी में साथ ही दिखाया जाता है कि पुलिस इस लड़के को ढूंढने के साथ साथ एक और लड़के को तलाश कर रही है, जो कि पिछले साल गायब हुआ था। और बस फिर एंड में इन सभी चीजों को मिला दिया जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये शो अच्छा है या बुरा, और ये शो तुमको देखना चाहिए या नहीं। और सबसे पहले तो दोस्तों, ये एक मिनी सीरीज है, यानी इसके आगे कोई भी सीजन नहीं आने वाला, और इसके सिर्फ 6 ही एपिसोड्स हैं। लेकिन हाँ, हर एपिसोड करीबन 1 घंटे का है, तो ये जितनी भी लगती है उतनी भी मिनी नहीं है। अब एक्शन एडवेंचर की बात करें तो इसमें बिल्कुल भी एक्शन एडवेंचर नहीं है, क्योंकि ये उस तरह की सीरीज नहीं है कि जिसमें तुम्हें एक्शन वगैरह देखने को मिले। तो अगर तुम इसे एक्शन या एडवेंचर के लिए देखना चाहते हो तो फिर तो तुम इससे बिल्कुल ही डिसअपॉइंट होगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी एक्शन नहीं है। लेकिन अब अगर बात करें मिस्ट्री की, तो हाँ, इसमें मिस्ट्री को काफी अच्छे तरीके से बिल्ड किया गया है, जिसे देखने में काफी मजा भी आता है और हमारा इंटरेस्ट भी इसमें बना रहता है। सीरीज में हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ तो काम करते हैं लेकिन कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं करते। लेकिन फिर भी इसकी मिस्ट्री काफी अच्छी है। इसकी स्टोरी टेलिंग की बात करें तो स्टोरी टेलिंग भी काफी अच्छी है। सीरीज में काफी सारी चीजें एक साथ ही चल रही होती हैं, और सीरीज हमारे सामने हर चीज को आहिस्ता आहिस्ता से रखती है और एंड में सभी चीजों को मिलाकर एक कंक्लूजन देती है, जिससे कि हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होती, जिससे कि हमें स्टोरी समझने में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होती और सारी चीजें हमारी समझ में आ जाती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीरीज का फोकस इसकी स्टोरी और मिस्ट्री पर ही है। अब बात करें कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो सीरीज की जो मेन लीड है, मेन कास्ट है, सीरीज उनकी पर्सनल लाइफ पर भी फोकस करती है, और जिससे कि हमारा उनके साथ कनेक्शन बैठ सके, और जो कि ये सीरीज अच्छे से करती भी है, जिससे कि हमारा कुछ कैरेक्टर्स के साथ, जैसे कि बेनेडिक्ट कंबरबैच के कैरेक्टर के साथ हमारा कनेक्शन बैठ जाता है, जिससे कि सीरीज को देखने का मजा और बढ़ जाता है। अब बात करूं ओवरऑल सीरीज की, तो दोस्तों, अगर तुम एक एक्शन एडवेंचर सीरीज की तलाश में हो या तुम इस सीरीज को एक्शन के लिए देखना चाहते हो, तो फिर तो ये सीरीज बिल्कुल भी तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें बिल्कुल भी एक्शन या एडवेंचर जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो तुम ये सीरीज एक्शन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें ड्रामा सीरीज या मिस्ट्री सीरीज देखना पसंद है, तो फिर तो ये सीरीज तुम्हें काफी पसंद आएगी, क्योंकि अगर तुम ड्रामा सीरीज देखते हो तो तुम्हें पता होगा कि वो बीच बीच में कहीं बिना कहीं बोर भी करती हैं। बाकी यही कि अगर तुम ड्रामा सीरीज देखना पसंद करते हो तो फिर तो ये सीरीज तुम्हारे लिए है, जो कि काफी अच्छी भी है। मुझे भी ये सीरीज काफी अच्छी लगी, मुझे ड्रामा शोज अच्छे लगते हैं, इसलिए मुझे ये सीरीज अच्छी लगी। तो तुम भी अगर चाहो तो ये शो देख सकते हो। शो काफी अच्छा है, बीच बीच में कहीं ना कहीं बोर करता है, लेकिन इतना भी नहीं कि ये शो देखा ही ना जाए। इस शो को तुम कम से कम एक बार तो देख ही सकते हो। और इस शो की स्टोरी इसी सीजन में खत्म कर दी गई है, यानी कि इसका आगे कोई भी सीजन नहीं आने वाला, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसकी IMDb रेटिंग 7/10 है, और ये तुमको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर तुमको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।